हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चॉकलेट हम सभी को बहुत पसंद आती है, खासकर बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। सर्दियों के मौसम में हॉट चॉकलेट पीने का अपना एक अलग ही मजा है। तो आज मैं आपके साथ हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और उतनी ही डिलीशियस होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है। आप चाहें तो कैडमरी की डेरी मिल्क या फिर बॉर्नविले भी ले सकते हैं। बॉर्नविले में कोकोआ का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उससे आपका हॉट चॉकलेट काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। और इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर इस तरह से मैंने इसके फ्लेक्स अलग कर लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर इस तरह से ये बहुत ही जल्दी कट जाता है और दूध में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। 200 ml या एक गिलास मैंने दूध लिया है, 1 चम्मच चीनी, वेफर्स स्टिक और व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी स्पून से डाल सकते हैं। तो दूध को सबसे पहले हम गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध का यूज किया है। हॉट चॉकलेट को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। दूध हमारा उबलने लगा है, तो इस स्टेज पर इसमें मैं 50 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ऐड कर दूंगी। और चॉकलेट ऐड करने के बाद इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, दूध में हमें बॉयल नहीं लाना है, इसे लो फ्लेम पे सिमर करते रहना है। बॉयल आने से इसमें चॉकलेट का बिटर टेस्ट आने लगेगा। तो लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट सिमर करने के बाद चॉकलेट हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और दूध में मिक्स हो गया है। दूध भी हमारा थोड़ा सा थिक लगने लगा है। अगर आप इसे और भी ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे इस तरह से ही बनाना प्रेफर करती हूँ। और इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दिया। चीनी आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग में ही दूध के साथ ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर सिमर होने देंगे, जिससे कि थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट हो गया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा हॉट चॉकलेट बनके तैयार है। तो गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे हम 1 ग्लास में डाल लेंगे। ग्लास में चॉकलेट पोर करते समय आप देख सकते हैं ये कितनी थिक लग रही है, और ठंडे होने पे ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। रेस्टोरेंट या कैफ़े वाले इसे ज़्यादा थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर से हम व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे। व्हिप्ड क्रीम को यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी स्पून से ऊपर से डाल सकते हैं। और कैफे वाला लुक देने के लिए इसे हम थोड़े से चॉकलेट से ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। और चॉकलेट स्प्रिंकल करने के बाद इसमें एक हम वेफर स्टिक डाल देंगे। तो आ गया ना बिल्कुल कैफे वाला लुक। और देखा आपने कितनी आसानी से हमने घर पे बना के तैयार कर लिया। तो इन सर्दियों में गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का आप ज़रूर मज़ा लें और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।